सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 11.2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 11.2, तो पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि शो दैट द थ्री लाइंस विद डायरेक्शन कोसाइंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर तीन लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस दिया हुआ है और मुझे बोला है कि ये परपेंडिकुलर है कि नहीं, मुझे दिखाना है। तो फर्स्ट क्या करूँगा, एक एक करके वो तीन लाइन को डिफाइन करते हैं। तो हम लोग लिखते हैं लेट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एल वन बी। तो तीनों लाइन का डायरेक्शन कोसाइन को पहले डिफाइन करते हैं 12/13, देन वी हैव -3/13, देन वी हैव -4/13। उसके बाद द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एल टू बी, इधर क्या हो जाएगा 4/13, देन वी हैव 12/13, उसके बाद 3/13। देन द नेक्स्ट वन वी हैव डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन एल थ्री, दैट इज गिवन बाई 3/13, और यहाँ पर आएगा -4/13, एंड देन वी हैव 12/13। तो बेसिकली हम लोग ने क्या पढ़ा है अभी तक, जो मैंने डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियोस में, तो जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज गिवन बाय, द जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज गिवन बाय आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। वो ए वेक्टर क्या है, इट इज़ द पोजिशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट विच लाइज ऑन द लाइन, एंड बी वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो लाइन के साथ पैरेलल है। तो बेसिकली वो एक पैरेलल वेक्टर है ऑफ द लाइन। तो जब मैं किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन का बात कर रहा हूँ, मतलब उसका डायरेक्शन, और डायरेक्शन कोई पॉइंट तो किसी वेक्टर का डायरेक्शन नहीं देगा, तो बेसिकली डायरेक्शन जो देगा वो तुम्हारा पैरेलल वेक्टर देगा, बिकॉज पैरेलल वेक्टर का जो डायरेक्शन है और वेक्टर का डायरेक्शन है वो मैच कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, किसी लाइन का डायरेक्शन का मतलब पैरेलल वेक्टर का डायरेक्शन। तो यहाँ पर ये जो डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है, ये वो पैरेलल वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है। तो नाउ मुझे बोला है दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब हम लोग ने ये ऑलरेडी पढ़ा है कि अगर दो वेक्टर है और अगर वो दो वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। तो सेम वे से यहाँ पर लग तो रहा है ये लाइन है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, बट इस लाइन में जो डायरेक्शन है इट इज गिवन बाय दिस बी वेक्टर। तो मैं क्या करूँगा, एक लाइन का बी वन वेक्टर और दूसरा लाइन का बी टू वेक्टर लेके इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दूंगा, और अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो हुआ तब मेरा परपेंडिकुलर होगा। एंड दिस बी वन वेक्टर बी टू वेक्टर और बी थ्री वेक्टर जो होगा, जो पैरेलल वेक्टर्स है तीनों लाइन का, उनका डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है वो कुछ ये तीनों है। तो वो लाइन का डायरेक्शन कोसाइन मतलब वो पैरेलल वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन, एंड पैरेलल वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन मतलब उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करने से मुझे जीरो मिलेगा, तो मैं बोल सकता हूँ परपेंडिकुलर है। तो मैं एक चीज लिखूंगा यहां पर कि फॉर टू लाइंस विथ डायरेक्शन कोसाइंस ए वन बी वन सी वन एंड ए वन बी वन सी वन एंड ए टू बी टू सी टू the two lines are perpendicular if, मतलब डॉट प्रोडक्ट जीरो, और डॉट प्रोडक्ट करने से क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग कॉम्पोनेंट्स का प्रोडक्ट, मतलब ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इज इक्वल टू जीरो। तो ये कंडीशन होना चाहिए, तभी जाके मैं बोलूँगा कि मेरा जो वेक्टर्स है वो परपेंडिकुलर है। तो अब मैं किसी भी दो डायरेक्शन कोसाइन को लेता हूँ, लाइन वन लाइन टू परपेंडिकुलर है कि नहीं चेक करते हैं। तो नाउ फॉर एल वन एंड एल टू, तो मल्टीप्लाई करने से क्या होगा,
12 by 13 into 4 by 13 minus 3 by 13 into 12 by 13 minus 4 by 13 into 3 by 13. तो ये बेसिकली आ रहा है 48 by 169 minus 36 by 169, then we have minus 12 by 169. तो ये लगभग जीरो आ रहा है. तो ये तो सिंस उन लोगों का डॉट प्रोडक्ट ये जीरो है तो मैं बोल सकता हूँ सो एल वन इज परपेंडिकुलर टू एल टू. तो ऐसे करके L2 L3 करना है फिर L1 L3 करना है. सो आई होप तुम लोग कंप्लीट कर पाओगे. बेसिकली ये वेक्टर्स ही है, वेक्टर्स में ही किया था इसको तो ये कोई अलग नहीं है. अच्छा क्वेश्चन नंबर टू क्या दिया हुआ है. हियर इट सेज शो दैट द लाइन लाइन थ्रू द पॉइंट्स वन माइनस वन टू ओके वन माइनस वन टू एंड थ्री फोर माइनस टू. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे शो करना पड़ेगा कि एक लाइन जो है वो जो इस दो पॉइंट से बन रहा है. तो देर इज अ लाइन विच इज फॉर्म बाय जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स इज. और दूसरा पॉइंट्स क्या क्या है, दूसरा पॉइंट्स है 0 3 2 एंड 3 5 6. सो ऑलरेडी हम लोगों ने क्या देखा हुआ है कि परपेंडिकुलर होने के लिए उन लोगों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, पैरेलल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा. अब फ्रॉम हियर आई गेट द आइडिया ऑफ फाइंडिंग वन थिंग. एक फॉर्मूला हम लोग जो किया है वो है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स पी एक्स वन वाई वन जेड वन एंड क्यू एक्स टू वाई टू जेड टू. तो इसका डायरेक्शन रेशियोज क्या क्या हो जाएगा, तो डायरेक्शन रेशियोज निकालने के लिए ये बन जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन एंड जेड टू माइनस जेड वन. तो इसके बारे में ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज में डिस्कस किया हुआ है. तो ये याद रखना किसी भी लाइन का डायरेक्शन रेशियोज निकालने के लिए मैं उसका एन टर्मिनल माइनस इनिशियल करूंगा. तो यहां पर मुझे क्या निकालना पड़ेगा, तब मुझे डायरेक्शन रेशियोज निकालना पड़ेगा. चाहे तुम डायरेक्शन कोसाइन का डॉट प्रोडक्ट करो वो जीरो आया, डायरेक्शन रेशियोज का भी करो वो भी जीरो आएगा. जो डायरेक्शन कोसाइन में होता है वो डायरेक्शन रेशियोज में भी होगा बिकॉज दे आर प्रोपोर्शनल, वो तो प्रोपोर्शनल है. तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, अब ये दो जो लाइन दिया हुआ है द लाइन ज्वाइनिंग द फर्स्ट टू पॉइंट्स एंड द लाइन ज्वाइनिंग द सेकंड टू पॉइंट्स, मैं इन दोनों का डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियोज एक एक करके निकालूंगा. तो निकालते हैं, तो पहले वाला लाइन का तो लिखेंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 1 माइनस 1 2 एंड 3 4 माइनस 2 इज क्या हो जाएगा, सो 3 माइनस 1 देन वी हैव 4 प्लस 1 देन वी हैव माइनस 2. ये तुम्हारा डायरेक्शन कोसाइन एंड दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 2 उसके बाद 5 देन माइनस 4. ये तुम्हारा डायरेक्शन रेशियो निकाला पहला लाइन का. दूसरा लाइन का निकालते हैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 0 3 2 एंड 3 5 6 इज ये हो जाएगा 3 माइनस 0 देन वी हैव 5 माइनस 3 एंड देन वी हैव 6 माइनस 2. सो ये लगभग आ रहा है 3 2 4. सो नाउ दोनों का डायरेक्शन रेशियोज हम लोगों ने निकाल चुके हैं. तो अब जो करेंगे वो है इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है जो हम मैंने पहले ही डिस्कस किया था.
तो वही चीज़ मुझे लिखना है यहाँ पर, कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसे यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन लिखा हुआ था, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डायरेक्शन रेशियोज़। यही सेम थिंग मुझे बस इधर कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, तो फॉर द टू लाइंस विद डायरेक्शन रेशियोज, इसको डायरेक्शन कोसाइन की जगह डायरेक्शन रेशियोज लिख दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फॉर द टू लाइंस विद डायरेक्शन रेशियोज A1B1C1 एंड A2B2C2, द टू लाइंस आर परपेंडिकुलर इफ A1A2 प्लस B1B2 इज इक्वल टू प्लस C1C2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर वो जो दो लाइंस है, दो लाइंस का जो डायरेक्शन रेशियोज है, अब इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट कर देंगे कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स का। यहाँ पर क्या होगा, 2 × 3, तो ये लिख लेना। तो 2 × 3 कितना होता है, 6, देन 5 × 2 प्लस 10, देन -4 × 4 दैट इज -16। तो ये देखो 0 आ रहा है, तो सिंस सो द लाइंस आर परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क रहेगा। यहाँ पर पैरेलल लाइंस बोला, अब देखो परपेंडिकुलर होने के लिए क्या था, परपेंडिकुलर होने के लिए था कि डायरेक्शन रेशियोज का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 होगा। अब पैरेलल होने के लिए क्या होगा, नाउ पैरेलल होने के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है कि द कॉरस्पॉन्डिंग कॉम्पोनेंट्स का जो रेशियो है वो सेम होना चाहिए। बेसिकली वो दोनों वेक्टर्स जो है वो क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल होना चाहिए, तभी जाके ये पैरेलल होगा। जैसे कि मैं बोलूँगा सपोज A1, B1, C1, ये तुम्हारा डायरेक्शन कोसाइन है लाइन L1 का, ये डायरेक्शन कोसाइन है ऑफ L1 मैं बोला, देन डायरेक्शन कोसाइन ऑफ L2 दैट इज गिवन बाय A2, B2, C2। अब दो लाइन अगर पैरल है तो उसको मैं बोल सकता हूँ A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 इज इक्वल टू C1 by C2। दो लाइन से पैरल है, तो जैसे कि 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप, ये पैरल वेक्टर और ये पैरल वेक्टर, ये दोनों क्या है, ये दोनों तुम्हारा क्या बोलते हैं पैरल है। बिकॉज अगर मैं देखूंगा डायरेक्शन, अच्छा इसको मैं ऐसे नहीं लिखता, इसको मैं ऐसे नहीं लिखता हूँ, बिकॉज ये तो वेक्टर के लिए था। डायरेक्शन कोसाइन कैसे लिखेंगे, 2, 4, 6 एंड हियर वी हैव 1, 2, 3। अब देखो उसका मतलब क्या है, इन दोनों का जो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म कॉरस्पॉन्डिंग कॉम्पोनेंट्स है उनका रेशियो जो है वो तो सेम है तीनों का ही, तो इसीलिए ये वाला जो होगा ये पैरेलल लाइंस हो जाएगा। तो इन क्वेश्चन नंबर 3 क्या करना पड़ेगा, तुम लोग को पहले उनका डायरेक्शन रेशियोज निकालना पड़ेगा जैसे निकाला हम लोगों ने। तो डायरेक्शन रेशियोज निकालने के बाद मुझे वो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स का ये करना पड़ेगा, कॉरस्पॉन्डिंग कॉम्पोनेंट्स का रेशियो निकालना पड़ेगा, एंड वंस वी गेट द रेशियोज देन वी कैन डायरेक्टली से दैट द लाइंस आर पैरेलल। तो एक चीज़ ध्यान रखना है, डायरेक्शन रेशियोज निकालो या डायरेक्शन कोसाइन निकालो, दोनों ही सेम ही है, इट डजेंट मैटर। सेम मतलब दोनों से एक ही चीज़ ही निकलेगा, द आउटपुट विल बी द सेम। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर अब कुछ नया करेंगे। अब तक हम लोग ने वो वेक्टर से ही रिलेटेड कुछ कर रहे थे, लेकिन अब कुछ नया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 1, 2, 3 एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। तो यहाँ पर एक इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकालना पड़ेगा जो पास कर रहा है 1, 2, 3 पॉइंट से एंड पैरेलल है एक वेक्टर के साथ 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। नाउ ये इक्वेशन निकालने से करने से पहले हम मैं थोड़ा सा ये करता हूँ, डिस्कस करता हूँ अबाउट व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू अ पॉइंट हुज पोजिशन वेक्टर इज ए वेक्टर एंड हुज पैरेलल वेक्टर हुज पैरेलल टू द वेक्टर बी। तो वो लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो उस लाइन का इक्वेशन मैं पहले लिखता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट whose position vector is a vector and parallel to the vector b। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो इस लाइन का इक्वेशन होता है r वेक्टर इज इक्वल टू a
प्लस लैम्डा बी। अगर डेरिवेशन याद नहीं है फिर से दोबारा वो वीडियो, प्रीवियस वाला वीडियो देखना, फिर डेरिवेशन ठीक से कर लेना। तो ये है इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो ये जो ए है दिस इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट विच लाइज ऑन द लाइन, एंड बी क्या है इट इज द पैरेलल वेक्टर, एंड लैम्डा इज अ स्केलर, कोई भी कॉन्स्टेंट है। तो अब इसी इक्वेशन को कैसे लिखने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, और ये आर वेक्टर तो मुझे पता है किसी भी लाइन को बनाने के लिए कोई जनरल पॉइंट होना चाहिए। तो आर वेक्टर इज नथिंग बट इट इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ द जनरल पॉइंट एक्स वाई जेड। तो वो तो हमेशा रहेगा ही रहेगा, किसी भी लाइन का इक्वेशन करो वो एक्स वाई जेड तो रहेगा ही, आर वेक्टर विल बी देयर। तो फर्स्ट थिंग वी नीड टू फाइंड ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो पहली बात, ए वेक्टर मुझे पॉइंट दिया है लेकिन पोजिशन वेक्टर पता नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पोजिशन वेक्टर पहले निकालना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट 1, 2, 3 इज इक्वल टू ए वेक्टर। एंड पोजिशन वेक्टर किसी भी पॉइंट का निकालना बहुत सिंपल है, मैंने क्या बोला था एक्स कॉम्पोनेंट है 1 है तो इसको मैं कर दिया आई वेक्टर, 2j कैप प्लस 3k कैप, बस इतना ही कुछ। जो कॉम्पोनेंट्स है रेस्पेक्टिव कॉम्पोनेंट्स को लेके उसका यूनिट वेक्टर उसके अलॉन्ग डिरेक्शन में लिख दो, बस खत्म, तुम्हारा पोजिशन वेक्टर आ चुका है। अब बोला है पैरल वेक्टर दे दिया है, पैरल वेक्टर दे दिया है मतलब बी वेक्टर दे दिया है, और बी वेक्टर मतलब 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। ओके, सो दिस इज माई पैरल वेक्टर। तो मेरा पोजिशन ए भी मिल चुका और बी भी मिल चुका है, तो अब तो कुछ लिखने का कुछ बनता ही नहीं है, तो मैं डायरेक्ट यहां पर लिखूंगा देयरफोर द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या हो जाएगा, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन विल बी इक्वल टू आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा वी वेक्टर। ये तो जनरल इक्वेशन था, तो अभी इसको मैं ठीक से लिखूंगा, ए वेक्टर के जगह पे लिखूंगा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और प्लस लैम्डा b वेक्टर के जगह पे क्या लिख दूंगा 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। ओके, सो दिस इज हाउ वी गेट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ओके, यहाँ तक ही लिखने से चलेगा, नहीं तो और थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हो उसको। r वेक्टर इज इक्वल टू i कैप को अगर साथ में रखेंगे तो यहाँ पर i कैप का कोफिशिएंट है 1 और उधर i कैप का कोफिशिएंट है 3 लैम्डा, तो ये बन गया। देन प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा j कैप प्लस 3 माइनस 2 लैम्डा k कैप, तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ द लाइन, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5, तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 पे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म दैट पासेस थ्रू द पॉइंट विद पोजिशन वेक्टर 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप एंड इन द डिरेक्शन i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। तो बात ये है, ये होमवर्क रहेगा, वेक्टर वाला इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में निकालने वाला वो होमवर्क रहेगा, बिकॉज यहाँ पर सब कुछ दे ही दिया है। पोजिशन वेक्टर दे दिया पॉइंट का, मतलब ए वेक्टर दे दिया, तो मतलब 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप, तो पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट इज गिवन। एंड इन द डिरेक्शन, अगर कोई भी वेक्टर किसी और के डिरेक्शन में जा रहा है उसका मतलब डिरेक्शन दोनों का सेम है, और डिरेक्शन दोनों का सेम मतलब पैरेलल है, तो इसीलिए पैरेलल वेक्टर दे दिया है। तो ये है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, तो ये दोनों दे दिया है। यहाँ वेक्टर तो इजीली हम लोग निकाल सकते हैं, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा वी वेक्टर, लेकिन यहाँ पर कार्टेशियन कैसे निकालेंगे। नाउ कार्टेशियन में क्या होता है, कार्टेशियन जो इक्वेशन होता है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन, तो ये इसका लिखने का तरीका कुछ ऐसा होता है, एक्स माइनस एक्स वन बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इज इक्वल टू सी माइनस सी वन बाई सी। इसका डेरिवेशन ऑलरेडी किया हुआ है तो देख सकते हो। अब ये एक्स वन वाई वन जेड वन ये क्या है, सॉरी यहाँ पर सी कहाँ से आ गया, सॉरी जेड माइनस जेड वन होगा, ये एक्स वन वाई वन जेड वन, दीज थ्री आर व्हाट, दिस एक्स वन वाई वन जेड वन दीज आर नथिंग बट द पॉइंट्स, ये तीनों है पॉइंट्स जिसका पोजिशन वेक्टर दिया हुआ है।
अब देखो हम लोग ने पॉइंट से पोजिशन वेक्टर किया, पोजिशन वेक्टर से हम लोग पॉइंट में जाएंगे। तो यहां पर पोजिशन वेक्टर क्या दिया हुआ है, 2-1 4, 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप। तो मेरा पॉइंट अगर निकालना है तो ये बन जाएगा 2-1 4, तो ये मेरा पॉइंट निकल चुका है। तो x1 y1 j1 के जगह पे 2-1 4 डाल देंगे। अब ये ABC क्या है, दिस ABC इज नथिंग बट द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द पैरल वेक्टर। मतलब A का मतलब x का कॉम्पोनेंट कौन सा है, 1 है। तो A का वैल्यू यहां पर हो जाएगा A = 1, B = 2, C = -1। तो ऐसे करके वैल्यूज पुट कर दो, तुम्हें वेक्टर इक्वेशन भी मिल जाएगा, उसके बाद कार्टेशियन इक्वेशन भी मिल जाएगा। सो दैट्स इट।